हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ज्ञानपुरी पब्लिक स्कूल की तरफ से क्लास नाइन्थ के लिए ये विज्ञान की क्लास है और मैं हूं नीलेश गुप्ता। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, अदिश और सदिश के बारे में, और इसके बारे में दूरी के बारे में, चाल के बारे में, वेग के बारे में, ठीक है, और औसत वेग मैंने बताया था, औसत चाल बताया था आपको। इसके बाद आपका नंबर था त्वरण के बारे में। चलिए जरा त्वरण को प्रैक्टिकली हम जान लें। लगभग गाड़ी चलाने वाली बात या गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना सभी लोग चलाते होंगे। सभी लोग एक शब्द कहते हैं एक्सेलरेटर लीजिए, एक्सेलरेटर। वो एक अंग्रेजी मीनिंग है जिसका हिंदी शब्द होता है त्वरित करना। एक्सेलरेटर लीजिए मतलब उसे त्वरित करिए, ठीक है। अब जब एक्सेलरेटर लेते हैं तो आप क्या देखते हैं, समय के साथ आपकी गाड़ी की रफ्तार क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अगर उसे हिंदी में उसे हम कहते हैं त्वरण, तो त्वरण का ये मतलब होता है कि कोई भी जो गतिमान वस्तु है समय के साथ उसके वेग में जो परिवर्तन होता है, या यूं कहें कि वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे ही हम कहते हैं त्वरण, ठीक है। और उसे कैसे लिखते हैं, त्वरण को लिखते हैं एक्सेलरेशन जिसे एसी, और ए बराबर ये क्या है, वेग में परिवर्तन। मान ले कि कोई कार या गाड़ी यहीं से आ रही थी, यहां से हम उसका वेग जो है एनालिसिस करना स्टार्ट करें, तो मान लीजिए जो हमारे पास पहुंची तो प्रारंभ में उसका वेग हमने देखा यू के बराबर है। मान लीजिए कुछ टी समय पश्चात उसका वेग जो है यू से बढ़कर वी हो गया, ठीक है। तो इसके त्वरण को हम कैसे डिसाइड करें, उस वस्तु के वेग परिवर्तन और बटे में समय अंतराल से, वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल देगा उस वस्तु का त्वरण। तो किसी वस्तु के त्वरण को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड है इस पर। दूसरे कंडीशन हम ऐसा देखते हैं कि हमें ब्रेक लगाना है, तो ब्रेक लगाने में भी क्या होता है, यहां पर जो है यहां से चल रहे हैं, यहां पर ब्रेक लगाएंगे तो यहां पर कुछ वेग होगा, ब्रेक लगाकर कुछ दूरी टी समय पश्चात तो गाड़ी चल जाएगी, रुक जाएगी, तो उसका माना वेग क्या हो जाएगा, शून्य। वेग परिवर्तन तो यहाँ पे हो, लेकिन वेग परिवर्तन यहाँ पर कैसे हो रहा है, वेग घट रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग समय के साथ बढ़ रहा है। तो समय के साथ जो वेग बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं त्वरण, लेकिन समय के साथ वेग में अगर वेग अगर घटता है तो उसे हम कहते हैं मंदन, रिटार्डेशन। तो किसी वस्तु के में समय के साथ उसके वेग में वृद्धि हो रही है तो उसे त्वरण कहेंगे, और कमी हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, मंदन, ठीक है। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो हम देख रहे हैं कि उसका जब वेग परिवर्तन हो रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और कुछ समय के पश्चात उसका वेग जो है यू से बढ़कर वी हो गया, और उस दौरान उसने कुछ जो है अपना विस्थापन या वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हुई। अगर हम बात करें कि वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन, उसके वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय के बीच क्या कोई संबंध हो सकता है, उसके त्वरण को भी इंक्लूड करें, तो जो संबंध होता है उस संबंध को कहते हैं गति के समीकरण। इस गति के समीकरण को न्यूटन ने दिया था, जो न्यूटन का एक बहुत ही महान आविष्कार है, ठीक है। ये न्यूटन का ये समझिए बहुत ही महान आविष्कार है जिसे कहते हैं गति के समीकरण। किसी वस्तु के अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और उसके त्वरण समय चले गए विस्थापन में न्यूटन ने तीन संबंध दिए थे। पहला संबंध ये रहा, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, इसे कहते हैं गति के समीकरण। इसे प्रथम द्वितीय तृतीय समीकरण के नाम से जाना जाता है। भी वस्तु का अंतिम वेग, टी प्रारंभिक वेग, सॉरी यू प्रारंभिक वेग, टी उसका समय, ए जो है त्वरण, यस द्वारा उस वस्तु का विस्थापन। अब चलिए इस नियम को आप किस सीमा तक अप्लाई कर सकते हैं इसको मैं बता दूं। यदि किसी वस्तु का त्वरण जो है एक समान है, परिवर्तित नहीं है, एक समान है या त्वरण जो है शून्य है, तभी ये तीनों नियम अप्लाई होंगे। यदि कोई गतिमान वस्तु का त्वरण जो है लगातार बदल रहा है या बदल रहा है, त्वरण में यदि परिवर्तन हो रहा है तो आप इस गति के समीकरण को अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए अलग तरीका है जो आपके सिलेबस से बहुत बाहर है, ठीक है। तो कहने का ये तात्पर्य कि यदि कोई वस्तु इस प्रकार से गतिमान है तो उसके वेग में परिवर्तन की समय दर कैसी है, एक समान है या शून्य है, तब तो आप गति के समीकरण को लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते, ठीक है। अब है इस गति को समीकरण को प्राप्त करने के लिए आप
के सिलेबस में है कि यदि समय और वेग का अगर ग्राफ दे दिया जाए, उस ग्राफ से कैसे आप गति के तीनों समीकरणों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां पर आपको दे रखा है कि अब जो है न्यूटन के तीनों समीकरण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं गति के, जब इसका त्वरण कैसा हो, एक सीमा त्वरण परिवर्ती नहीं। यदि त्वरण परिवर्ती नहीं है तो उसके वेग में परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए, हमेशा एक समान होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि वेग में परिवर्तन अगर असमान से हुआ तो त्वरण भी कैसा हो जाएगा, और समान। चलिए अगर वेग में परिवर्तन एक समान होगा तो अगर समय और वेग के बीच ग्राफ खींचेंगे तो वो इस समय अक्ष से कुछ कोण बढ़ाकर सीधी रेखा होगी। ग्राफ खींचना आपको चार्ट में भी बताया गया होगा, नौ में भी आपको बताया जाएगा गणित में। ठीक है, अब चलिए ग्राफ किसके लिए, मान लें कि एक वस्तु कहीं से आ रही थी, हम यहाँ पर आए तो हम उसके वेग का एनालिसिस करना हमने शुरू कर दिया। यहाँ पर t बराबर 0 से हम किसी वस्तु के वेग का एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पता लगा कि इसका प्रारंभिक वेग u थी। t समय तक चला हो, इसके बाद इसका वेग जो है u से बढ़कर u हो गया, यह हमने मान लिया। और इस दौरान उस कण का या वस्तु का विस्थापन यह से बना। ठीक है, चलिए यहाँ पर समय लिया गया तो समय यहाँ पर कितना शून्य होगा, और समय यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड वगैरह में दिख रहा है, और उसका वेग यहाँ पर हम इस पर देखें, जब टी बराबर 0 है तो उसका वेग कुछ यू है, तो टी बराबर 0 है तो वेग यहाँ पर हमने ले लिया कि यहाँ से यहाँ तक वेग यू, तो वस्तु को हम यहाँ से ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो उस टी समय पश्चात उसका वेग जो है यू से बढ़कर वी होगा। ठीक है, यानी टी जब समय बीता तो यहाँ पर ये वेग उसका वी होगा। देखिएगा हम कह रहे हैं कि जो अगर ग्राफ अगर खींचेंगे तो ग्राफ कैसे कैसे होगा, एक सीधी रेखा होगी, क्योंकि वेग परिवर्तन कैसा है, एक समान। तो अब इस दोनों पॉइंटों को अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे टी और वी ऐसे दूसरा पॉइंट यहाँ होगा, तो इन दोनों को सीधी रेखा द्वारा मिला दें तो यही होगा समय, समय और वेग के बीच का ग्राफ, वो कैसे, जब इसका त्वरण कैसा है, एक समान। ठीक है, अब ये सारी चीजें ग्राफ आ गई, ये यू है पूरा, ये वी है। ठीक है, और ये पूरा आपका ग्राफ है, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए जब ये यू है तो यहाँ से आप डॉटेड डॉटेड लाइन खींचेंगे तो ये इतनी दूरी भी क्या होगी यू, और यहाँ से डॉटेड डॉटेड लाइन खींचेंगे तो ये दूरी कितना हो गई, वी। ठीक है, ये ग्राफ है, ग्राफ से जब ये डॉटेड और ये ऊपर से डॉटेड डॉटेड मिलाएंगे तो एक ऐसा त्रिभुज बनेगा, संपूर्ण त्रिभुज। ठीक है, अब चलिएगा, अब हमने कहा है इस चित्र से हम देख सकते हैं यदि हम इस पूरे डी में से इस यू को घटाएंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी, और ये दूरी किसके बराबर है, समय के बराबर, ये समय हो गया, ये दूरी कितना होगी, डी माइनस यू, और ये पूरा चीज क्या दिख रहा है, संपूर्ण त्रिभुज। संपूर्ण त्रिभुज में जो लंब है वो डी माइनस यू के बराबर है, आधार टी के बराबर है। ठीक है, तो अगर हमने कि लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है, डी माइनस यू, आधार कितना है, तो अब देखिए क्या है, वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल, और वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल को आपने किसके बराबर माना था, त्वरण के बराबर, तो आप देख सकते हैं ना कि वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल बराबर त्वरण, त्वरण को आप ऐसे लिखते हैं, a बराबर c माइनस u बटे में t, t का मल्टीप्लिकेशन a में कर दिया तो कितना आ गया, a t बराबर b माइनस u, u को आप जो है b से दूसरे साइड पर करते हैं कितना आ गया, b बराबर u प्लस a t, और ये क्या है, न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, अब हम सेकंड समीकरण को निकालने की कोशिश करेंगे। सेकंड समीकरण क्या है, देखिए सेकंड समीकरण जो है विस्थापन है वस्तु। ठीक है, तो अब ये जो पूरा का पूरा वक्र है, ये जो ग्राफ है, ग्राफ और समय अक्ष के बीच का ये जो क्षेत्रफल है, क्या ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल देता है इस गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन, जिसे हम यस से लिख रहे हैं, यस क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या, ये आयत का क्षेत्रफल और ये संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल, या यूं कहें कि यहां से वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन होता है क्या, ग्राफ और समय से परिवर्तन क्षेत्रफल, तो वो यस है, यस किसके बराबर होगा, इस आयत का क्षेत्रफल है संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंब, लंबाई में चौड़ाई, इसको लंबाई माने तो चौड़ाई होगा,
क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो 1/2 गुणे आधार कितना है 3 और लंब कितना है b-u। देखिए तो 2/3 b-u, ठीक है। चलिए b-u की वैल्यू हम यहां से देख सकते हैं, b-u बराबर किसके at, तो इसीलिए अगर कर सकते हैं a into t, तो ये क्या होगा s बराबर ut plus half at स्क्वायर। ये है न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण हमको निकालना है। तीसरे समीकरण में हम वहां पर देख सकते हैं कि यहां पर t नहीं है, तो काम क्या है, समीकरण नंबर 1 से t उठाकर समीकरण नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। वही काम हमने किया है कि समीकरण नंबर 1 से t की वैल्यू उठाई और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। t बराबर कितना होगा, b-u/a, यहां पर b-u/a, यहां पर स्क्वायर है, एक से एक एक कैंसिल होगा सबका, तो आप लघुत्तम लेकर फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आपको होगा 2 के बराबर। ये सारी चीजें आएंगी और इनको आप कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे और पश्चांतर करेंगे। तो सारी चीजें करने के पश्चात ये टर्म आपका आएगा b² + u² + 2a। ये है न्यूटन का गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। आप इन सब चीजों को पढ़िए और अपनी किताब से जरा इसको और जानने की कोशिश करिए, और इसके बाद इसमें जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूरी अपनी जो है अपना पूरा एफर्ट दूंगा। धन्यवाद।